काम कर रहे थे तो बीच में से अपना फॉर्म निकाल के और खुद लेने के लिए तैयार हो गया कि मेरा फॉर्म करो कनेक्शन, इसमें से ऐसे ही उसके तनाव नहीं कर रहे थे, लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर वो क्या है कि इन लड़कों से लड़ने लगाया, ये बात 20 बजे आप करने गए तो मेरे को भी गाली, काम हो जाए इन लड़कों को गाली दे रहा, मेरे को भी गाली देने लग गया। कौन थी बोलो? अब वो नाम था उस लड़के का और उसकी पत्नी का नाम नीलम था, नगला हर सुखे। घायल हो गए कुछ? हाँ, दो तीन लड़के घायल हो गए, हाथों में लग गए, उनके सिर में लग गई सिर्फ। हो गए सर, प्रधानमंत्री योजना के तहत सबके गैस कनेक्शन हो रहे हैं लोन पे, सबके फॉर्म लेते हैं हम, फॉर्म लेने के बाद में सीएलसी से रख देते हैं, उनको नाम बोल बोल बुलाते जाते हैं और रूटीन में भी चल रहा है, भीड़ भाड़ तो रहती है, 100-200-300 डेली आ जाते हैं, उसको संभालते भी हम। कई बार प्रशासन से कहा और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई व्यवस्था करी, उन्होंने पुलिस से बात हुई और एडीओ साहब से बात हुई, उसके बाद में आज बाकायदा कनेक्शन चल रहे थे रिटर्न में सही चल रहा था। एक महेश सनोब लक्ष्मी नाम का लड़का आया, उसने आते ही कहीं मेरा नाम नंबर लो, मेरा नंबर लो, वो अपन ले नहीं सकते क्योंकि सीधे सीधे 5-6 कर्मचारी और रिफिल करने वाले कंज्यूमर खड़े थे, उन्होंने धक्का दिया, आते उन्हें मारपीट की, रिकॉर्ड को फाड़ दिया और रामेश्वर और ये जितेंद्र दो तो कर्मचारियों की लगी है और ये जो कस्टमर था पर्ची कटवा रहा था सत्यनारायण इसके लगी है और उसे शीशा तोड़ के और भाग गया, स्टाफ ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ नहीं आया चला गया। दो जने थे ये, दो तीन थे, एक मतलब मेन तो महेश और लक्ष्मी था, उसके साथ थे उनको हम जानते नहीं, इसको जानते व्यक्तिगत तौर पर। तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को लगातार 4-5 दिन पहले पुलिस सूचना दे दी थी, SHO को, CO को बात हुई थी, कल भी आज भी सुबह बात हुई थी, DSP साहब सॉरी SDM कामा को लिखित में सूचना दे दी थी और क्या भीड़ रह रही है उनकी व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रही, इसलिए व्यवस्था करी जाए एक आदमी की, लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी आज तक। और ये अन्य सब था क्योंकि भीड़ होती है और सब कोई चाहता है कि हमको मिले हमको, लेकिन हम रिटर्न भी में और सिस्टम से देते और ये अपनी मनमानी करते, मनमानी को हमारे 4-5 कर्मचारी रोक नहीं सकते, इसलिए पुलिस व्यवस्था की जरूरत थी और उन्होंने करी नहीं, इसलिए हादसा हुआ, शीशा टूट गया और कर्मचारी को पीट गया और जो उपभोक्ताओं को पीट गया लगा और रिकॉर्ड को फाड़ गया।